आज का ब्रेकिंग अपडेट जो कि है एवेंजर 5 से रिलेटेड। काफी टाइम से अपडेट आ रही थी कि एवेंजर 5 की स्टोरी क्या हो सकती है, टाइटल क्या हो सकता है, मूवी किस चीज पे आधारित होगी, तो एवरीथिंग बहुत सारे अपडेट आ रहे थे जो कि आपको मैं धीरे धीरे अपडेट करता गया था। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेंजर 5 के कुछ स्टेटमेंट के बारे में जो कि रूसो ब्रदर ने दिए हैं, और आप सुनकर हैरान हो जाओगे उन्होंने जो बयान दिया है। सबसे पहले एवेंजर 5 जो मूवी होने वाली है वो एक्चुअली में सीक्रेट वॉर के ऊपर होने वाली है, जो कि कम से कम 2 से 4 पार्ट के बीच में बनेगी। इस मूवी को काफी लंबा खींचने वाले हैं। कॉस्मिक सागा के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है, और सभी जानते हैं कि इस मूवी को बनाने के लिए एक अच्छे लेवल का डायरेक्टर चाहिए और एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, तभी तो इस मूवी को बिल्डअप करने में टाइम लग रहा है। अब सबसे बड़ी बात, जो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम डायरेक्ट करी थी, रूसो ब्रदर, उन्होंने अभी हाल ही में अपना स्टेटमेंट दिया एवेंजर 5 से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि इस मूवी को बनने में टाइम लगेगा, और ये मूवी बन भी रही है, इन प्रोडक्शन में है, तैयारी चल रही है काफी जोरों शोरों से इस मूवी के लिए, क्योंकि अगली कोई बड़ी मूवी तो लानी है एमसीयू में, तो वो एवेंजर 5 ही होगी। बट हम इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम इस मूवी को डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज ये मूवी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा इवेंट है, और इस मूवी को बनाने के लिए अच्छा खासा समय चाहिए, और इस मूवी के लिए हमें बहुत सारी मूवीज भी छोड़नी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये सीक्रेट वॉर टाइमलाइन होने वाली है, तो भाई अगर कुछ भी हल्की सी मिस्टेक होती है तो फैंस का जो गुस्सा होगा वो किस लेवल का होगा आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया है कि वो सीक्रेट वॉर मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे आने वाली फ्यूचर में। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कौन एवेंजर्स 5 यानी सीक्रेट वॉर को डायरेक्ट करेगा, तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। पर हाल फिलहाल के लिए जो अभी रिसेंट में अपडेट आया वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना।